नमस्कार हे गिदीरा, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार फाइनली युवरत्न का ट्रेलर मैंने देख लिया है। यूट्यूब में अभी फिलहाल ट्रेंडिंग पे चल रहा है, लेकिन ये ट्रेंडिंग तो कुछ ही दिनों का होगा, लेकिन जब ये मूवी रिलीज होगी तो ये मूवी लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस के रह जाएगी। और जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर हमें इस मूवी में नज़र आने वाले, जो कि कन्नड़ इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सुपरस्टार में से एक है। हालांकि इनकी मूवी कोई भी आज तक पैन इंडिया रिलीज हुई नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर मूवी आपको कन्नड़ और तेलुगु ये दोनों ही लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। अफसोस की बात यह है कि ये मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई नहीं, क्योंकि इसका अगर आप लोग ट्रेलर गौर से देखोगे तो आप लोग एक ही चीज़ बोलोगे कि ब्लॉकबस्टर इज़ ऑन द वे। और पिछले दो सालों से कन्नड़ इंडस्ट्री की जो किस्मत है वो एकदम हाई लेवल पे, क्योंकि उनकी जो भी मूवी आ रही है उसमें एक फ्रेश कंटेंट, एक न्यू कंटेंट देखने को मिल रहा है। साथ साथ उनके हर एक मूवी ऑडियंस के दिल में एक अपनी जगह बना रही है। और अगर ये साल में भी देखो तो जो हाल फिलहाल में मूवी रिलीज़ हुई थी चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर की रॉबर्ट मूवी, वो कितनी बड़ी हिट हुई है ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अब जब ये युवरत्न रिलीज़ होगी तो ये मूवी रॉबर्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेलर गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी जो आप लोग एक अच्छी मूवी से एक्सपेक्ट रखते हो। और पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर के अलावा इस मूवी में हमें धनंजय, जो कि एक अलग लेवल के एक्टर है, और इनकी मैंने कुछ मूवीज़ देखी है जहाँ पर इनका परफॉर्मेंस इतना पागलपंती वाला होता है। मतलब ये एक ऐसे एनर्जेटिक एक्टर है जो मूवी में ऑडियंस को पूरी तरह से शॉक कर देते हमेशा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो इनकी पॉपकॉर्न मंकी टाइगर देख लेना भाई, मैंने थिएटर में देखी थी और उस पर्टिकुलर मूवी के बाद मैं इस बंदे का फ़ैन बन गया था। उसके अलावा आकाश राज सर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में नज़र आएंगे, और उनकी एंट्री ही काफ़ी है मूवी में, ऑडियंस बस सिर्फ उनको ही देखती है। उसके अलावा अच्युत कुमार भी है, जो कि मोस्टली हर कन्नड़ा मूवी में आपको नज़र आते हैं। लेकिन इतने सारे एक्टर्स होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर है जो इन सब के ऊपर हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा ट्रेलर में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो गजब का था, एक थ्रिल पैदा करता। और इस मूवी में कहानी बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी, साथ साथ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। और पावर स्टार पुनीत राजकुमार यहाँ पर हमें दो अलग अलग रोल्स में नज़र आएंगे, यानी कि उनका कैरेक्टर एक ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में वो शायद हमें स्टूडेंट नज़र आएंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में वो हमें कोई शायद ऑफिसर नज़र आएंगे, वो तो मूवी रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा। इतना तो मैं आप लोगों से कह सकता हूँ यहाँ पर कि भाई अगर आप लोग ये मूवी की टिकट लोगे तो आपको निराशा नहीं होगी, और ये मेरी गारंटी, क्योंकि पिछले दो सालों से मैं जितनी कन्नड़ा मूवीज़ देखा और जितना मुझे उन पर कॉन्फिडेंट है शायद ही किसी और को होगा। और यार पावर स्टार पुनीत राजकुमार तो नाम ही काफ़ी है, मूवी ऑलरेडी हिट हो चुकी है, मानो या ना मानो आप लोग। ये मूवी मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा, उसके बाद मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा कि ये मूवी कितनी ज़्यादा अच्छी है। ऑब्वियसली ये मूवी अच्छी है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सब कम यूट्यूबर्स लोग बताते होंगे, लेकिन मैं खुद को यूट्यूबर भी नहीं मानता हूँ, मैं खुद को आपकी तरह फ़ैन मानता हूँ और अप्पू सर का फ़ैन। तो भाई मैं उनकी कुछ मूवीज़ देखा, उसका मैंने रिव्यू भी किया है, भाई गजब का बंदा डांस करता है, एक्शन लाजवाब होते हैं इनके, और इनकी मूवीज़ फुल टू एंटरटेनिंग होती है जितनी मैंने देखा हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और युवरत्न तो भाई डेफिनेटली एक ज़बरदस्त एंटरटेनिंग मूवी फ़िलहाल तो लग रही है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, कहने को बहुत कुछ है यार पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोग ऑलरेडी अप्पू सर के बहुत बड़े फ़ैन हो। तो यार बस इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और नहीं भी लाइक करोगे तो भाई एक काम ज़रूर करना कि ये मूवी 1 अप्रैल को आएगी नियरेस्ट योर थिएटर्स, तो जाके मूवी को ज़रूर चेकआउट करना, मज़ा आ जाएगा और एंटरटेनमेंट की गारंटी है मेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।